साल 2020 हर मायनों में बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, बॉलीवुड सितारों के लिए और इन सितारों से जुड़े लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब साबित होता रहा है। इस साल हिंदी सिनेमा जगत के कई बड़े बड़े सितारे हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। इरफान खान का इस दुनिया से जाना, जो सिलसिला तब से शुरू हुआ, उसने 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की भी जान ले ली। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के गम से अब तक लोग उभरे भी नहीं थे कि एक बेहद बुरी खबर बॉलीवुड एक्टर अली फजल को लेकर आ रही है। अली फजल की मां का बुधवार सुबह निधन हो गया। तबीयत बीते कुछ समय से ख़राब थी, अचानक सेहत ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो गई और उसके बाद लखनऊ में अली फजल की मां ने अंतिम सांसें ली। अली फजल ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया। ट्वीट करते हुए लिखा, मैं आपके लिए जीऊंगा, आपकी याद आएगी अम्मी, यहीं तक था हमारा साथ, पता नहीं क्यों आप मेरी क्रिएटिविटी का कारण थी, मेरा सब कुछ थी, आगे शब्द नहीं है। अली फजल के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करके बताया, हमें बताते हुए दुख हो रहा है कि उनकी मां का 17 जून को अचानक निधन हो गया। उनका निधन अचानक हुआ, सभी उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। अली अपने फैंस का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया। इतने बड़े नुकसान के बाद शांति की आवश्यकता है। अली ने अपने फैंस और मीडिया से थोड़ी प्राइवेसी की मांग की है। खैर, अली फजल ने मां के रूप में जो खोया है, उस क्षति को शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम यही कामना करते हैं कि ईश्वर अली को इस मुश्किल वक्त से लड़ने में शक्ति दे और उनकी अम्मी की आत्मा को शांति। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।